Hello friends, I am Sushant. Welcome you all to class 10 Geography, chapter number 7. As we are continuing the lifelines of a national economy. So today we will have an idea about the communication, or you can say traveling. Here it is given wise air travel preferred in the northeastern states. उत्तरी पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इन द ईयर ऑफ 1953 इस समय में वायु परिवहन का स्पष्टीकरण किया गया. व्यवहारिक तौर पर इंडियन एयरलाइंस जो एलाइंस एयर कहते हैं इंडियन एयरलाइंस की अनुसंगी तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती है. एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है. जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी उपतटीय जो हम कहते हैं संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्व राज्यों तथा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के अंतरिक्ष क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है. इंडियन एयरलाइंस की सक्रिय जो है संक्रियाएं पड़ोसी देशों दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया तक विस्तृत है. जो इंडियन एयरलाइंस हैं इसके बारे में ये जानकारी है. नाउ लेट्स हैव एन ओवरऑल आइडिया ऑन कम्युनिकेशन, है ना, संचार सेवाएं. कम्युनिकेशन जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है. संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गति विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है. निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन रेडियो समाचार पत्र समूह प्रेस तथा सिनेमा ये आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं. भारत का डाक संचार ये जो तंत्र विश्व का बृहत्तम है. यह पार्सल निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है. कार्ड व लफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान का द्वारा पहुंचाए जाते हैं. द्वितीय श्रेणी की डाक में जो हम कहते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट किताबें अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं. ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है. बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक भाग में बनाए गए हैं. इन्हें राजधानी मार्ग मेट्रो चैनल ग्रीन चैनल व्यापार चैनल भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है. ठीक है, दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है. नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव जो एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं. सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर हम कहते हैं इससे उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं. एसटीडी का मतलब क्या है कौन बताएंगे? इसका फुल फॉर्म एस फॉर सब्सक्राइबर टी फॉर ट्रंक डी फॉर डायलिंग. सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. तो इसके बारे में पूरे देश भर में एसटीडी की जो दरों के भी नियमित किया है. यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जो हम कहते हैं संबित
विकास से ही संभव हो पाया है। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूकता या जागरूक करना है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते, जैसे कि मासिक, साप्ताहिक आदि, कई प्रकार की हैं। समाचार पत्र लगभग 100 लैंग्वेजेस तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्म बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। नेक्स्ट इट इज इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान या आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गांवों में होता है, राज्य स्तरीय व्यापार दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है तथा इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक जो खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। पिछले कुछ वर्षों से, वर्ष 2010-11 तक निर्यात वृद्धि वाली वस्तुएं थी कृषि वर्षों से संबंधित उत्पाद वृद्धि 9.9%, खनिज व अयस्क 4%, रत्न व जवाहरात 14.7% तथा पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला सहित 16.8% आदि। भारत में आयातित वस्तुओं में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद जो वृद्धि हुआ है 28.6%, मोती व बहुमूल्य रत्न जो है 9.4%, कोयला, कोक तथा कोयले का गोला ये सब 2.7%, मशीनरी 12.56%, ये आदि शामिल थे। एक समूह के रूप में भारी वस्तुओं के आयात में 28.2% कुल आयात का वृद्धि हुई है। इस समूह में उर्वरक
3.4%, खाद्यान्न 14.3%, वनस्पति तेल 17.4% व न्यूज प्रिंट 40.3%, छपाई मशीनों भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। नेक्स्ट इट इज टूरिज्म एज ए ट्रेड। पिछले जो हम पढ़े हैं, पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 की अपेक्षा 2010 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन इसमें 11.8% वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें 64,889 करोड़ विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। वर्ष 2010 में भारत में 57.8 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आए। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय जो हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रशय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं इससे हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, दिस मच इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एंड ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। थैंक यू।